जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप सब तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे आज हम लोग देखेंगे एस 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 का प्रैक्टिस सेट ग्यारह देखेंगे इससे पहले जो है आपका दस्तक कम्प्लीट कराया जा चुका है और यह जो हम लोग प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं तो अरिहंत तो पब्लिकेशन बुक से चला रहे हैं जिसमें टोटल आपको पंद्रह प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा तो हम लोग आज ग्यारह जो है कंप्लीट कर लेंगे और साथ ही साथ आपका पीडीएफ चाहिए इसका तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं देखिए यहाँ से हम लोग का भाग कौ से जो है प्रश्न स्टार्ट होता है जो कि पहला रीजनिंग का प्रश्न है सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति देखिए यहाँ से हम लोग का जो पहला प्रश्न है यह प्रश्न है कि छः गुने दो इसके मतलब चार लिखा गया है यहाँ पर छः भागा दो इसके मतलब बारह लिखा गया है और छः माइनस दो इसके बदले आठ लिखा गया है और यहाँ पर छः प्लस दो इसके बदले में आठ लिखा गया थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो एक गलत कर दिया गया है यहाँ पर जो बुक के तरफ से यहाँ पर आठ जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कहाँ पर जी यहाँ पर जो आप आठ देख रहे हैं देखिए थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पर जो आठ आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आठ के स्थान पर आप लोग तीन कर लीजिएगा ठीक क्योंकि आठ नहीं होगा वहाँ पर तीन होगा तो ये सही हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए जो छः गुने दो छः गुने दो तो बारह नहीं होगा तो यहाँ पर गुना का मतलब कि गुने के स्थान पर आपको माइनस कर देना है छः माइनस दो करेंगे तो ये चार हो जाएगा तो क्या करना है गुने के स्थान पर आपको माइनस कर देना है जहाँ पर भी भागा है भागा के स्थान पर गुना कर देना है और माइनस जहाँ पर है तो माइनस के स्थान पर आपको प्लस कर देना है और प्लस के स्थान पर आपको भागा कर देना है जब आप ये चिन्ह इसको चेंज कर लीजिएगा तो इसके बाद यहाँ पर देखिए आठ भागे चार तो भागा को क्या करेंगे हम लोग भागा को गुना कर देंगे और गुना यहाँ पर है तो गुना के स्थान पर यहाँ पर हम लोग माइनस कर लेंगे यहाँ पर चिन्ह हम लोग बदल कर बदल लेंगे और जब हम लोग इसको सर्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा बत्तीस आने वाला है ठीक तो राइट आंसर बी कर लीजिएगा चलिए अगला प्रश्न हम लोग का जो दूसरे नंबर प्रश्न है तो प्रश्न है कि देखिए सी ई ए e, फिर आई जे आई के जी फिर ओ क्यू एम ये किस प्रकार बढ़ रहा है तो उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग को अगला बढ़ाना है जिस प्रकार ये जो तीन श्रृंखला हुआ है उसी प्रकार हम लोग चौथा है वो खोजेंगे कि कैसे बढ़ा है तो देखिए यह जो किया गया है देखिए यहाँ से हम लोग के सी से हम लोग जब आई जाएंगे आई जाएंगे तो छः अक्षर का वृद्धि हुआ है फिर आई से जब हम लोग ओ जाएंगे तो फिर छः अक्षर की वृद्धि तो फिर हम लोग आई से ओ है देखिए आई से ओ जाएंगे नौ छः पंद्रह ये छः अक्षर का वृद्धि तो फिर हम लोग नौ अक्षर की वृद्धि करेंगे ओ में छः जोड़ेंगे तो पंद्रह छ इक्कीस यू से शुरू होगा और देखिए जब हम लोग यू से शुरू कर लिए तो देखिए ए ए में भी यू से शुरू नहीं हुआ है बी में सी यू से शुरू नहीं हुआ है सी में भी यू से शुरू नहीं हुआ है लेकिन डी में शुरू हुआ है तो हम लोग इसको आसानी से लगा सकते हैं क्योंकि हम लोग को पहला अक्षर मिल गया तो यहाँ पर आप लोग डी कर लीजिएगा और भी मिला लेंगे जैसे कि ई से हम लोग छः बढ़ेंगे ये भी छः बढ़ा है ई से छ ई पाँच पर ओके के ग्यारह पर छः पाँच ग्यारह इसमें भी छः छः अंश अंतर का अंतर हो रहा है वृद्धि हो रहा है तो हम लोग जो क्यू है क्यू में छ जोड़ेंगे तो क्यू में छ जोड़ेंगे तो डब्ल्यू होता है दूसरा विषय है तो हम लोग आसानी से डी लगा सकते हैं ठीक चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का तीसरे नंबर प्रश्न है दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लुप्त पद को ज्ञात कीजिए यहाँ पर एक पाँच तेरह पच्चीस इकतालीस तो अगला क्या होगा देखिए यहाँ पर अगला जो होगा ये आपका एक से चार एक से पाँच गए तो चार अक्षर का वृद्धि फिर यहाँ पर पाँच से जो हम लोग पाँच से तेरह गए तो इसमें नौ अक्षर आठ अक्षर का वृद्धि हो रहा है आठ अक्षर का फिर तेरह से हम लोग पच्चीस जाएंगे तो बारह अक्षर का वृद्धि होगा फिर बारह से हम पच्चीस से इकतालीस जाएंगे तो सोलह अक्षर का वृद्धि होगा तो अगला क्या होगा यहाँ पर चार आठ बारह सोलह अगला हम लोग का बीस होने वाला है इकतालीस में बीस जोड़ेंगे तो इकसठ हो जाएगा राइट आंसर डी कर लीजिएगा इसका अगला जो हम लोग का प्रश्न यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न है कि कनक पूर्व दिशा में छः किलोमीटर जाकर बाएँ मुड़ गया कुछ दूर चलकर फिर वह बाएँ मुड़ा और छः किलोमीटर चला पुनः एक मोड़ पर बाएं मोड़ा गया और अब वह किस दिशा में जा रहा है ठीक तो देखिए सबसे पहले जो कनक है वो पूर्व दिशा में छः किलोमीटर गया यहाँ से हम उसका स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं और वह पूर्व दिशा में गया तो हम लोग इसको पूर्व यहाँ पर छः किलोमीटर बढ़ा लेते हैं और फिर कह रहा है कि पूर्व गया और कुछ दूर चल कर वह बाएँ मुड़ गया तो बाएँ मुड़ा तो किधर गया इस तरफ गया बाएँ मुड़ा और फिर छः किलोमीटर चला यहाँ पर कुछ दूर चल कर फिर वह वहाँ मुड़ा बाएं मुड़ गया एक बार और बाएं मुड़ा और वह फिर यहाँ पर यहाँ से एक बार और बाएं हम लोग ले लेते इसको यहाँ से छः किलोमीटर चला यह भी छः किलोमीटर है और यह भी छ किलोमीटर है यहाँ पर कुछ दूरी है इसका मेंशन नहीं किया गया यह एक से और फिर एक छः किलोमीटर चला और एक मोड़ पर जो है बाएं मुड़ा गया और वह किस दिशा में जा रहा है तो अब पूछा जा रहा है वह कि यहाँ पर अब जो है वह किस दिशा में जा रहा है यहाँ से फिर बाएँ मुड़ा है एक बार और बाएँ तो यहाँ से फिर वहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ आ रहा है तो वह जो मुड़ा है अभी वह दक्षिण दिशा की ओर ठीक है यहाँ पर देखिए इस तरफ की ओर आ रहा है यहाँ से यहाँ से वह इस तरफ आ रहा है तो यहाँ पर आपका जो दक्षिण दिशा की ओर ऑप्शन जो आपका बी है वो राइट आंसर है ठीक है राइट आंसर बी कर लीजिएगा अगला जो हम लोग का प्रश्न है पाँचवें नंबर है कि जैसे दस्ताने संबंधित है हाथ से वैसे ही टोपी किसी से संबंधित है तो जैसे हाथ से दस्ताना जो संबंधित है हाथ से तो टोपी जो है आपका सिर से संबंधित है राइट आंसर यह हो जाएगा अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है जैसे कि जौ है कपास है धान है गेहूँ है तो इसमें भिन्न कौन सा है इसमें भीन आपका हो जाएगा कपास कपास जो है नगरी फसल है बाकी सब ये रबी फसल है ठीक चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का प्रश्न है कि सातवां नंबर देखिए सातवें नंबर जो प्रश्न है यहाँ पर भिन्न खोजना है कि इसमें भिन्न कौन सा जैसे कि ए एल आई डी जे फिर ए सी जेड एक्स वी फिर है एफ ए एस जे ई और है यहाँ पर एन डी डब्ल्यू वी एस तो इसमें भिन्न कौन सा है तो देखिए इसमें जो आपका सातवें में भिन्न है वह ऑप्शन जो है डी वाला वह वा भिन्न है ऐसा देखिए यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन है इसमें कोई भी भवल नहीं है इसमें एक भी भवल नहीं है बाक़ी इन तीनों में जो है भवल है लेकिन ये जो ऑप्शन डी है ये सभी कॉन्सोनेंट है तो इसलिए ये भिन्न है आठवां देखा जाए पच्चीस सैंतीस निन्यानवे और सन्तावन तो इसमें कौन सा भिन्न है इसमें जो आपका भिन्न होगा वह सैंतीस भिन्न होगा क्योंकि बाक़ी सभी जो है ये भाज्य संख्या लेकिन यहाँ पर जो सैंतीस है वह अभाज्य संख्या है सैंतीस क्या है सभी है जो ये सभी भाज्य है लेकिन सैंतीस अभाज्य है किसी से कट नहीं सकता तो ये भिन्न है ठीक चलिए अगला प्रश्न हम लोग का हैं है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो है देखिए यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता चार शब्द दिया गया है तो ऑर्गेनाइजेशन से कौन सा इसमें नहीं बनाया जा सकता तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन से आपका नहीं बनाया जा सकता वह है ऑरेंज ऑरेंज में आपको एक जगह पर ई देखने को मिलेगा और ऑर्गेनाइजेशन में ई कहीं पर नहीं है तो यह जो है शब्द नहीं बनाया जा सकता अगला हम लोग का दसवें नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए दसवें नंबर प्रश्न है यहाँ पर यहाँ पर एक्स के स्थान वाट के स्थान पर भरना है क्या होगा यहाँ पर चारों तरफ से जैसे भी गुणा करेंगे भागा करेंगे जोड़ेंगे घटाएंगे किसी प्रकार यहाँ पर आपको पूरा करना होता है श्रृंखला चाहे इस प्रकार पूरा हो या फिर इस प्रकार पूरा हो तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह राइट आंसर यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ नीचे है ऑप्शन तिरसठ होगा देखिए यहाँ पर तीन गुणे तीन कितना नौ नौ गुना तीन सत्ताईस सताईस गुना तीन इक्सी फिर यहाँ पर छः गुण तीन अठारह अठारह गुना तीन तिर चौवन और चौवन गुना तीन बासठ ठीक फिर यहाँ पर देखिए सात गुना तीन इक्कीस इक्कीस गुना तीन कितना तिरसठ होगा ठीक और तिरसठ गुना तीन ये एक सौ निवासी हो जाएगा तो ये जो आपका तिरसठ रख देंगे तो सही हो जाएगा अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए प्रश्न की एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री दादा के इकलौते पुत्र के इकलौती पुत्र देखिए यहाँ पर इकलौते पुत्र की पुत्री इकलौते पुत्र की पुत्री है तो विकास का फोटो वाले लड़की के साथ क्या संबंध है तो विकास को फोटो वाले लड़की के साथ यहाँ पर क्या संबंध है थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए फिर से यहाँ पर एक फोटो को और इशारा करते हुए विकास ने कहा कि वह मेरे दादा के दादा के इकलौते पुत्र के हैं वह पुत्री है इकलौते पुत्र की पुत्री है तो दादा के विकास के दादा के एक ही पुत्र है और उसका पिता होगा पिता की बेटी पिता की पुत्री होगी जो बहन होगी यहाँ पर विकास का जो बहन हो जाएगा ठीक यहाँ पर आप लोग राइट आंसर बहन लगा लीजिएगा राइट आंसर सी हो जाएगा चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि तिरसठ अस्सी तो एक सौ बीस के अगले स्थान क्या होगा तो देखिए तिरसठ अस्सी एक सौ बीस फिर यहाँ पर आपको एक सौ तैंतालीस होने वाला है देखिए यहाँ पर तिरसठ जो होता है वो आठ का स्क्वायर होता है आठ तो का स्क्वायर माइनस वन किया गया है तिरसठ जो किया गया है आठ का स्क्वायर माइनस वन अस्सी जो किया गया है नौ का स्क्वायर माइनस वन फिर यहाँ पर 120 जो है यह 11 का स्क्वायर और माइनस वन है तो हम लोग अगली बार करेंगे 12 का स्क्वायर माइनस वन तो कितना होगा एक होगा ऑप्शन आप जो आपका बी वो बिल्कुल सही है अगला तेरह नंबर जो प्रश्न है बी सी एफ ई एच आई एल के फिर है पर एन ओ आर क्यू तो अगला बार क्या होगा तो देखिए यहाँ से हम लोग इसको बनाते हैं ये श्रृंखला यह जो आपको देखिए यहाँ से बी से आपको बढ़ाएंगे क्या होगा बीस से एच फिर एच से एन जाएंगे तो देखिए बी से एच जाएंगे तो यह छः अक्षर का वृद्धि हुआ है फिर एच से हम लोग एन जाते हैं तो फिर यहाँ पर छ अक्षर का वृद्धि हुआ है तो हम लोग अगली बार भी छः अक्षर का वृद्धि कराएंगे एन से हम लोग छो जाएंगे तो एन चौदह पर छ जाएंगे तो टी बीस पर यहाँ पर टी होने वाला है टी से शुरू होगा फिर यहाँ पर ई e, सी से यहाँ पर आई गया है यहाँ पर भी छः यानी कि सभी में छ अक्षर का जो है वृद्धि हुआ है तो यहाँ से हम लोग छ छ जोड़ देंगे ओ में छः जोड़ेंगे यू होगा फिर आर में हम लोग जब छ जोड़ेंगे आर अठारह पर छ जोड़ेंगे चौबीस पर चौबीस पर क्या होता है एक्स होता है न जी एक्स हो जाएगा और फिर यहाँ पर क्यू में जब हम लोग छः जोड़ेंगे तो डब्लू हो जाएगा तो टी यू एक्स डब्लू कौन सा है टी यू एक्स डब्ल्यू ऑप्शन जो है सी है आपका सही है तो राइट आंसर आप लोग ऑप्शन सी कर लीजिए चलिए अगला प्रश्न देखिए यह आकृति वाला प्रश्न है कि ये वाला आकृति है जो कौन से ऑप्शन में निहित है कौन से ऑप्शन में जो ये ऐसा आकृति बना हुआ है तो फाइनली इसमें जो बना हुआ है वो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और थोड़ा सा तो इसमें मिस्टेक भी किया गया है तो यह जो बना है ऑप्शन ए में बनने वाला है राइट आंसर आप लोग ए कर लीजिएगा ठीक थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसमें आपका एम में मिल जाएगा चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं यहाँ से हम लोग का पंद्रह नंबर प्रश्न है यह प्रश्न है कि निम्नलिखित उत्तर आकृतियों से यह ज्ञात कीजिए कि की नीचे दिखाए अनुसार कागज को मोड़ने पंच करने तथा खोलने के बाद उसकी आकृति कैसी दिखाई देगी जैसे कि आपका पैगाकार तो कागज़ है इसको तिरछा तिरछी बीच से मोड़ा गया फिर यहाँ पर एक बार ऐसे मोड़ा गया और ऐसे मोड़ा गया फिर यहाँ पर दो होल कर दिया गया दो छिद्र कर दिया गया तो कौन सी आकृति बनेगा तो फाइनली इसमें जो आपका आकृति बनने वाला है वो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें कौन सा आकृति बनेगा तो इसमें ऑप्शन जो डी वाला है वो आकृति बनेगा राइट आंसर जब इसको खोलिएगा एक यहाँ आएगा एक यहाँ पर और फिर यहाँ पर जो होगा चार इधर होगा तो आठ हो जाएगा ऑप्शन डी इसमें आपका सही है चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर हम लोग का है कि चार उत्तराकृतियों में कौन सी एक नीचे दिए गए कटे हुए टुकड़ों से बनी है जैसे कि ये चार टूटा फूटा आकृति दिया गया इनसे कौन सा ये आकृति चारों में से बनाया जा सकता तो इसमें जो बनाया जा सकता है वह ऑप्शन आपका डी वाला बनाया जा सकता है ठीक ऑप्शन डी का जैसे कि देखिए ये जो वृद्ध है वृद्ध का यूज यहाँ पर आपको यहाँ किया गया है फिर यहाँ पर जो ये ये आपका पंचरभुज है यहाँ पर जो इसको यूज यहाँ पर किया गया है त्रिभुज का यूज यहाँ पर कर दिया गया है और ये जो वर्ग है वर्ग का यूज यहाँ पर नीचे कर दिया गया तो यह आकृति मिल गई और ये आकृति बन गया तो ऑप्शन डी कर लीजिएगा राइट आंसर अगला प्रश्न क्या सत्रह नंबर जो प्रश्न है कि कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति को पूरा करेगी इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर आपको कैसे किया गया है इसमें कुछ नहीं करना देखिए यहाँ पर जो है चारों यहाँ पर बीच पर बीच में आपको क्या मिल रहा है प्लस मिल रहा है तो हम लोग प्लस वाले खोजेंगे कि ऊपर कौन से दो प्लस है तो ऊपर वाले में देखिए यहाँ पर ये दो प्लस है ठीक तो हम लोग ऑप्शन डी कर लेंगे राइट आंसर आपका डी हो जाएगा चलिए अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का अठारह नंबर प्रश्न है तो अठारह नंबर जो प्रश्न है यह डिक्शनरी वाला प्रश्न है जैसे कि निम्नलिखित शब्दों को शब्द को उसके अनुसार व्यवस्थित करना है पहले स्थान पर कौन होगा और अंतिम स्थान पर कौन होगा पाँचवें स्थान पर देखिए हम लोग शुरू करते हैं तो एस सी जो है सभी में कॉमन है ठीक इसका राइट आंसर आप लोग भी बताइए इसका जो सी है एस सी है वो सभी में कॉमन है हम लोग अगले अक्षर से बढ़ेंगे तो अगला अक्षर यहाँ पर ए मिल रहा है ये यहाँ पर आप जो तीन देख रहे हैं इसमें आपको ए मिला और फिर ए के बाद क्या मिलने वाला है यहाँ पर ए के बाद दो में ए है ठीक थोड़ा सा और भी ध्यान दीजिएगा डीपली तो इन दोनों में ए ए है लेकिन हम लोग कौन ए पहले लेंगे ये आप लोग डिसाइड कर सकते हैं ठीक तो सबसे हम लोग पहले जो ए लेंगे वह ऑप्शन बी वाला ये लेंगे जैसे कि ए के बाद एन है यहाँ पर ए के बाद एक और हम लोग बढ़ते हैं तो ए है लेकिन यहाँ पर जो पाँचवा में है ए के बाद टी है तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो है तीन वाला को हम लोग पहले लेंगे तो ये तीन से हम लोग का आकृति शुरू होगा तो और हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सी आकृति तीन से शुरू हुआ है तो ऑप्शन ए और ऑप्शन जो बी है वो तीन से यहाँ पर शुरू हुआ है तो हम लोग दो इसी दो में से कोई हम लोग का राइट आंसर है फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर तीन के बाद यहाँ पर एक के बाद यहाँ पर यह दूसरे नंबर पर आएगा जो ऑप्शन पाँच का है वो दूसरे नंबर पर आएगा फिर हम लोग ती। तीसरे नंबर को बढ़ेंगे तो तीसरे नंबर को जब हम लोग बढ़ेंगे तो एक के बाद हम लोग को क्या आएगा एक के बाद हम लोग को शुरू होने वाला है ए के बाद कौन सा शुरू होने वाला देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए देख रहे जो ए वाला देख रहे हैं, हैं इसमें ए से शुरू हुआ है और यहाँ पर जो है ऑप्शन चार वाला देखिए यहाँ पर चार भी है तो चार वाला एच से शुरू हुआ तो हम लोग का पहले ए वाला शुरू होगा थोड़ा सा ये क्योंकि ई पहले है एच से पहले कौन सा है ई है और आई से भी पहले ई है तो ऑप्शन यहाँ पर ए वाला शुरू होगा तो क्या होगा तीन पाँच एक कौन सी आकृति में है कौन सा ऑप्शन में है तो ऑप्शन ए में तीन पाँच एक है उसके बाद हम लोग ये चौथा लेंगे और ये पाँचवें पर दो ले लेंगे ऑप्शन जो इसमें हम लोग राइट करेंगे तो वह ए आप लोग टिक लगा लीजिएगा ये आपका ये सही है आप लोग भी इसका बनाइएगा चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर एक आर वेन वेंडाइग्राम का प्रश्न है कि द्रव्य दूध और नदी जल के बीच का जो है आकृति वो वेन वेंडाइग्राम कैसे बनेगा तो नदी और दूध और फिर द्रव है तो देखिए द्रव के अंदर ही नदी का भी जल आ जाएगा और दूध भी आ जाएगा तो ऑप्शन ए इसमें आपका सही हो जाएगा चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग है कि दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम में रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा तो जैसे कि देखा जाए यहाँ पर यह वाला कृति ये वाले में पूरा करना है कि कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पर ए से शुरू हुआ फिर यहाँ पर देखिए डी के पहले क्या आ रहा है सी आ रहा है और ए के बाद बी आ रहा है डी के बाद ई e आ रहा है तो देखिए ये जो हम लोग का श्रृंखला पूरा होगा वह होगा ए बी सी डी ई कट फिर होगा ए बी सी डी ई यानी कि ए बी सी डी के फॉर्म में ये बढ़ रहा है तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन जब हम लोग कौन सा ले इसमें इसमें हम लोग ऑप्शन कौन सा लें तो इस देखिए इसमें जो हम ऑप्शन ए लेंगे तो ये हम लोग के लिए बेहतर रहेगा यही सही होगा जैसे कि बी वाला यहाँ हम लोग रख देंगे फिर सी है जिसको यहाँ रख देंगे फिर यहाँ पर डी है इसको यहाँ रख देंगे और ई e जो है हम लोग यहाँ रख सकते हैं यहाँ पर आप लोग ये सीरीज वाला प्रश्न है तो थोड़ा आप लोग इसको बनाइएगा इसमें आपका राइट आंसर ए होगा ठीक चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ से हम लोग का है कि एक विद्यार्थी सही सवालों के तुलना में दोगुने गलत करता है यदि उसके कुल अड़तालीस अड़तालीस सवाल किए तो कितने सही और कित कितने सही हल किए देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि एक जो विद्यार्थी है वह सवालों के तुलना में दो गलत दोगुना गलत कर दिया यानी कि दोगुना जो प्रश्न वो गलत कर दिया और उसमें से उसे कुल अड़तालीस सवाल सॉल्व किया तो उसने सही किए कि कितना किया तो दो गुना और एक गुना तीन गुना यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे अड़तालीस को तीन से भाग दे देंगे दो गुना और एक गुना में दो गुना और एक गुना जोड़कर तीन हो जाएगा और अड़तालीस में हम लोग तीन से भाग दे देंगे तो कितना होगा सोलह हो जाएगा तो यहाँ पर दो गुना गलत किया तो यहाँ पर बत्तीस सोलह दो ने बत्तीस को गलत कर दिया और सोलह को जो है आपका सही किया है ऑप्शन जो आपका है बी वो राइट आंसर होगा ठीक चलिए अगला जो प्रश्न है हम लोग का प्रश्न के दी गई संख्याओं का समूह है तीन पाँच देखिए यहाँ पर शुरू जो बाईस नंबर निर्देश दिया गया है कि दिए हुए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई संख्याओं का समूह प्रश्न में दी हुई संख्याओं के समूह के समान हो जैसे कि तीन पाँच तीन चार पाँच ये आपका एक त्रिभुज का ये जो फॉर्म बन रहा है जैसे कि यहाँ पर तीन का स्क्वायर चार के स्क्वायर बराबर पाँच का स्क्वायर तो उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग खोजेंगे कि कौन सा हम लोग का इसमें भिन्न है तो देखिए ऑप्शन जो है ए वो बन रहा है जैसे कि छः का स्क्वायर आठ का स्क्वायर जो होता है वो दस का स्क्वायर के बराबर होता है फिर यहाँ पर नौ के स्क्वायर बारह के स्क्वायर पंद्रह के स्क्वायर के बराबर होता है लेकिन ऑप्शन जो सी है छः का स्क्वायर सात का स्क्वायर प्लस आठ का स्क्वायर ये बराबर नहीं होता है तो यहाँ पर ऑप्शन डी देख लेते हैं बारह का स्क्वायर सोलह का स्क्वायर ये जो है बीस का स्क्वायर होता है तो ऑप्शन जो हम लोग का इसमें तीन नंबर है वो भिन्न है वो गलत है तो यहाँ पर राइट आंसर सी कर लेंगे चलिए अगला प्रश्न देखिए देख यहाँ पर प्रश्न का है कि पीटर आठ किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाई ओर मुड़ गया और तीन किलोमीटर चला इसके बाद वह फिर दाई ओर मुड़कर बारह किलोमीटर चला तो वह उस स्थान से कितनी दूरी पर है जहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया गया था ठीक तो ये जो ऑप्शन तेईस है ये पिछले इसी सेट में हम लोग एक और जो है डायरेक्शन का प्रश्न सॉल्व किए हैं तो तेईस नंबर जो ऑप्शन है इसका आप लोग आंसर बताइएगा कि इसका आंसर आप लोग क्या लगा रहे हैं कितने दूरी पर है यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए और इसका राइट आंसर आप लोग बताइए सात किलोमीटर आठ किलोमीटर या फिर चार या फिर पाँच फिर से आप लोग प्रश्न इसको देख सकते हैं यहाँ आपका प्रश्न है और वहाँ पर आपका आंसर है ठीक तो आंसर आप लोग जरूर लगाइएगा कमेंट में आप लोग बताइए चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं चौबीस नंबर प्रश्न है क्योंकि ये जो हम लोग का डायरेक्शन वाला प्रश्न था तो उसमें एक हम लोग पहले इसी सेट में सॉल्व कर लिए हैं और ये हम लोग का दूसरा सेट मिला तो आप लोग एक बना लीजिए यहाँ पर कि किसी कुट भाषा कोड में सिस्टर को यहाँ पर ये लिखा जाता है तो उसी कोड में अंकल को कैसे लिखा जाएगा देखिए यहाँ पर सिस्टर और ये वाला शब्द में जो हो रहा है एक एक अक्षर की माइनस हो रही है एक एक अक्षर की कमी जैसे कि एस के बाद यहाँ पर पहले आर लिखा गया है आई के पहले एच लिखा गया है एस के पहले आर लिखा गया है यानी कि एक एक अक्षर सिस्टर में से एक, एक वर्ड जो है आपको माइनस करके लिखा गया है तो अंकल में भी एक एक माइनस करेंगे यू के बदले भी कर यू के बदले टी करेंगे एन के बदले एम करेंगे तो टी एम ऑप्शन जो हम लोग का डी देखते हैं ये सही है और भी देख लेते हैं सी के बदले बी लेंगे सी के बदले क्या लेंगे जी एक माइनस कर रहा है ना जी अंकल यहाँ पर टी एम और देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी भी है ठीक तो ऑप्शन बी वाला ले लेते हैं यहाँ पर सी के बदले बी लेंगे और एल के बदले के और ई e के बदले डी ऑप्शन देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी नहीं बल्कि यहाँ पर ऑप्शन आपका ए जो है वो सही है एक एक माइनस हो तो रहा है अंकल में ठीक चलिए अगला प्रश्न देखा जाए मैट्रिक्स वाला प्रश्न है तो मैट्रिक्स वाला भी ये आसान होता है इसमें आपको बेड का जो है अर्थ खोजना है कि बेड कहाँ पर देखने को मिलेगा और कौन से ऑप्शन में है तो इसका जो राइट आंसर जब आप लोग खोजिएगा बी हम लोग पहले ऑप्शन के हिसाब से इसको हम लोग बना सकते हैं जैसे कि यहाँ पर पचहत्तर है तो यहाँ से पचहत्तर लेंगे पचहत्तर डी से शुरू हो रहा है कौन से पचहत्तर जो है डी से शुरू हो रहा है और हम लोग को बी ई ए डी खोजना है ये गलत है फिर यहाँ पर संतानवे है नौ सात नौ सात एफ से शुरू हो रहा है अट्ठासी जो है आठ आठ है। आठ आठ ये बी से शुरू हो रहा है लेकिन और हम लोग देख लेते हैं इकतालीस इकतालीस जो है किसे शुरू हो रहा है इकतालीस यहाँ पर इकतालीस ऐसे शुरू हो रहा है तो क्या हो रहा है बी ए हो रहा है तो यहाँ पर बी ई है ये हम लोग का तीन भी गलत है ऑप्शन चार लेते हैं ये संतावन संतावन किस से पाँच सात ये बी से शुरू हो रहा है फिर यहाँ पर बत्तीस है तो बत्तीस यहाँ पर देख लेते हैं तीन दो कहाँ पर बी ये भी सही है बत्तीस भी सही है और ले, ले लेते हैं यहाँ पर इकतालीस है तो इकतालीस जो है हम लोग का बी ई ए ये भी आपका ए से शुरू हो रहा है सही है बिल्कुल और यहाँ पर हम लोग डी ले, ले लेते हैं सतासी लेते हैं जैसे कि यहाँ पर जो सतासी है तो देखिए यहाँ पर जो आठ और सातवे रहते हैं ये डी से सही हो तो यहाँ पर देखिए बी ई ए, ए डी बी ई ए डी के फॉर्म में जो आपका सत्तावन बत्तीस इकतालीस और सतासी आपको मिल गया तो ऑप्शन आप लोग राइट आंसर डी कर लीजिएगा इसको आप उप, ऑप्शन से बनाइएगा तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है ठीक चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का भाग ख का जो प्रश्न है तो सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी के प्रश्न छब्बीस नंबर प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है जल्दी फटाफट बताइए ब्लीचिंग जो पाउडर होता है उसका रासायनिक सूत्र सी ए सी एल टू ऑप्शन जो है बी आपका राइट right आंसर होगा ठीक चलिए अगला सत्ताईस नंबर है कि यू एस बी यू एस बी का प्रयोग किसके लिए होता है तो देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन है स्टोरेज डिवाइस प्रोसेसर पोर्ट टाइप और यहाँ पर सीरियल बस स्टेड तो देखिए इसमें जो यूज होता है इसका या सताइस यू एस बी देखिए यहाँ पर पोर्ट टाइप के रूप में होता है यहाँ पर यू एस बी का जो है जो प्रयोग होता है वो पोर्ट टाइप के रूप में होता है यहाँ पर प्रोसेसर दिया गया और स्टोरेज डिवाइस तो ये गलत है यहाँ पर आपका सीख लीजिएगा और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो सीरियल बस स्टैंड बस ये भी नहीं ये भी गलत है ऑप्शन है यहाँ पर आप लोग कर लीजिएगा ठीक चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का अट्ठाईस नंबर है कि किसे आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है तो आत्महत्या की थैली के रूप में लाइसोसोम को जानते हैं ऑप्शन बी आपका सही है अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है मूल अधिकारों का संरक्षण किसे माना जाता है तो मूल अधिकारों का संरक्षक जो माना जाता है वह न्यायपालिका को माना जाता है अगला प्रश्न देखा जाए सत्य में और कहाँ से लिया गया है तो ये जो सत्य में जयते का वाक्य है ये आपको मुंडक अपनी से लिया गया है अगला प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है तो यह संबोधित जो करना होता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करना होता है चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ से हम लोग का बत्तीस नंबर प्रश्न है कि मुद्रा स्फीति के सम सम यहाँ पर मुद्रा स्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगी तो निम्नलिखित में से होगी यहाँ पर वृद्धि होगी ठीक चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित भा, सॉरी भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है तो सबसे अधिक जो टैक्स कर का भुगतान करता है वह यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र के द्वारा किया जाता है ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर होगा अगला प्रश्न यहाँ पर चौंतीस नंबर है कि लोधी वंश की स्थापना किसने की थी तो लोधी वंश की जो स्थापना है ये आपको बहलो लोधी के द्वारा किया गया था राइट आंसर सी हो जाएगा अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था तो हर्षवर्धन को जो पराजित किया गया था वह किया गया था पुलकेसिन द्वितीय के द्वारा यानी कि के, पुलकेशिन टू यहाँ पर राइट आंसर होगा ठीक चलिए अगला प्रश्न कि जैव मात्रा का पिरामिड किस परिस्थिति तंत्र में उल्टा होता है तो देखिए जैव मात्रा का पिरामिड है वो किस परिस्थिति में परिस्थिति में उल्टा होता है तो यह जो उल्टा होता है आपका तालाब में उल्टा होता है राइट आंसर बी हो जाए ए हो जाएगा अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति यानी कि डॉस्क्रीन ऑफ लेप्स के साथ जुड़ा हुआ है तो यह जो नाम जुड़ा हुआ है लॉर्ड डलहौजी का जुड़ा हुआ है राइट आंसर बी हो जाएगा चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अड़तीस नंबर जो प्रश्न है कि शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्मी क्यों रख सकती है तो यहाँ पर गर्मी के शीतकाल जो कि ठंडे में बात हो रही है कि एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीज हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है क्यों रखती है यहाँ पर क्यों रख सकती है तो इसका कारण है और वह कारण है कि दो कमीज़ों के बीच की जो वायु की परतरोधी माध्यम है वह माध्यम के रूप में कम कराती है इसलिए वो जो है अधिक गर्मी देती है ठीक तो ऑप्शन से उसी है आपका सही जाएगा दो कमीज़ों के बीच वायु की परतरोधी माध्यम के रूप में काम करती है अगला प्रश्न कि ग्रीन हाउस गैसों नाइट्रस ऑक्साइड तथा तो मीथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना निम्नलिखित में से किस जीव से की जा सकती है तो यह सबसे अधिक की जा सकती है यहाँ पर जीवाणु से की जा सकती है ठीक यहाँ पर जो सबसे अधिक संभावना है तो यह जीवाणु से की जा सकती है अगला प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक की स्थापना किस स्थान पर अप्रैल 2018 में की गई तो यह अप्रैल 2018 में जो अंबेडकर साहब की स्मारक की स्थापना है यह किया गया था नई दिल्ली में ठीक अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः लोक के, माने के नाम से जाने जाते थे तो लोक्य के, के नाम से जाने जाते थे यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ठीक अगला प्रश्न है कि सूर्य में असीमित ऊर्जा का स्रोत तो सूर्य में असीमित ऊर्जा की जो स्रोत है वह है आपका नाभिकीय संलयन ठीक चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का तैंतालीस नंबर जो प्रश्न है कि नर्मदा बचाव नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था तो यह आरंभ हुआ था मेघर मेघा पाटकर के नेतृत्व में राज्यसभा के लिए मनोनीत भारतीय चलचित्र राज्यसभा के लिए मनोनीत भारतीय चलचित्र की पहली अभिनेत्री कौन थी तो वह पहली अभिनेत्री की बात करें तो वह थी आपका नरगिस दत्त ठीक राइट आंसर यह हो जाएगा अगला प्रश्न है कि साधारण लवण का रासायनिक नाम साधारण लवण का जो यहाँ पर रासायनिक नाम पूछा जा रहा है तो कैल्शियम क्लोराइड होता है क्या होता है सॉरी यहाँ पर साधारण लवण एन होता है सोडियम क्लोराइड होता है ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका ये हो जाएगा ठीक चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्ति के नाम पर मनाया जाता है तो यह किस नाम पर पूछा जा रहा है कि मनाया जा रहा है जो राष्ट्रीय युवा दिवस है तो यह मनाया जाता है बिल्कुल सही है आपको स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है अगला प्रश्न है कि विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला की बात हो रही है तो वह है रीता फारिया अगला प्रश्न है कि जरा बैंक की स्थापना तो इसकी स्थापना 1935 में हुई थी ठीक चलिए अगला प्रश्न है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है तो क्रिकेट फुटबॉल हॉकी या फिर शतरंज तो यह संबंधित है जो आपका फुटबॉल से है ठीक चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से सबसे अच्छा उष्मा चालक कौन सा सबसे अच्छा उष्मा चालक चांदी तंबा सोना या फिर पत्थर तो राइट आंसर क्या होगा चांदी हो जाएगा ठीक चलिए अगला प्रश्न के यहाँ से हम लोग का जो भाग गय है तो ये सामान्य जो हम लोग का प्रारंभिक अंगणित जो कि मैथ का प्रश्न है तो पच्चीस मैथ का प्रश्न इसको हम लोग स्किप कर दे रहे हैं इस एक बार इसका जो वीडियो को पोस्ट करके और इसका स्क्रीन ले लीजिए और इसको बनाइएगा ठीक यहाँ पर इक्यावन से उनसठ तक और अगला इसमें हम लोग का है साठ से तिहत्तर तक और प्रश्न है और एक बार यहाँ से आप लोग ले लीजिए और नोट भी कर सकते हैं इस प्रश्न को ठीक यहाँ पर आ गया चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ से भाग घ में जो हम लोग का सामान्य हिंदी है तो देखिए यहाँ से हम लोग का छिहत्तर से जो सतहत्तर तक प्रश्न है तो ये मुहावरा है तो इस मुहावरे का अर्थ बताना है जैसे कि छहत्तरवा प्रश्न है कि घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा तो घड़ों पानी पड़ना इस मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वह होता है लज्जित होना ठीक अगला प्रश्न है कि अंधा बाटे यहाँ पर आंधा बाटे रेवड़ी फिर फिर अपने को दे यहाँ पर आंधा बाटे रेवड़ी और फिर फिर अपने को दे इस जो मुहावरा है इसका सही अर्थ क्या होगा तो इसका कहने का मतलब है कि स्वार्थी व्यक्ति पक्षपात करता है यानी कि जो कोई अंधा है वो रबड़ी बांटने के लिए उसको दिया गया तो वो अपने आदमी को ही देता है वो दूसरे को नहीं देता है ठीक तो यहाँ पर स्वार्थी जो व्यक्ति है वो पक्षपात अपने पक्ष में वो बाँट रहा है चलिए अगला सतहत्तर अठहत्तर नंबर प्रश्न देखा जाए यहाँ से प्रश्न जो हम लोग का है कि चार देखिए इसमें से आपको चार जो शब्द दिया गया इसमें से शुद्ध शब्द आपको खोजना है कि शुद्ध जो है प्रोनाउंसिएशन के आधार पर वो व्याकरण के हिसाब से कौन सा है जैसे कि फल बच्चे को काट कर खिलाओ फिर बच्चे को काट कर फल खिलाओ बच्चे को फल काट कर खिलाओ या फिर काट कर फल बच्चों को खिलाओ इसमें कौन सा सही है तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पर जो बच्चे को फल काट कर खिलाओ ऑप्शन जो सी है वो आपका बिल्कुल सही है तो राइट आंसर सी कर लीजिएगा चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर है हम लोग का उनासी नंबर है कि बैल और बकरी घास चरती है यानी कि इसमें चार जो ऑप्शन दिया गया इसमें आपको कौन सा सही लग रहा है तो उसको आपको खोजना है और उसका राइट आंसर देखिए यहाँ पर बैल और बकरी घास चरते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है वो बिल्कुल सही है राइट आंसर बी कर लीजिएगा अगला उनासी अस्सी नंबर से हम लोग का जो प्रश्न है यहाँ पर शुद्ध बरतने वाले शब्द को चयन करना है तो देखिए यहाँ पर ज्योतिषी लिखा गया यानी कि कौन सा ज्योतिषी इसमें से सही है तो ऑप्शन जो बी का ज्योतिषी है वो आपका बिल्कुल सही है बाकी सब जो है गलत है ठीक अगला प्रश्न है कि अशुद्ध या बर्तनी कौन सी है यहाँ पर अशुद्ध इसमें हम लोग का शुद्ध था ना जी इसमें शुद्ध था और इसमें अशुद्ध कौन सा लिखा गया है नाइका दीर्घायु तत्व पुरुष टिप्पणी कौन सा गलत है अशुद्ध है तो तत्व पुरुष जो है वो आपका गलत है ठीक चलिए अगला यहाँ पर एट्टी टू नंबर से प्रश्न क्या है बिरासी से तिरासी ती, जो प्रश्न हम लोग से है तो ये आपको चार चार जो दिए गए विकल्प इसमें क्या कह रहा है दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है ठीक यानी कि इस वाक्य के, के लिए आपको एक शब्द देना है यहाँ पर है कि परंपरा से चली आ रही बात या कथा उसके लिए एक शब्द क्या कह सकते हैं पारंपरिक रूढ़िगत अनुश्रुति जनश्रुति तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं उसको हम लोग कह सकते हैं अनुश्रुति जो परंपरा से चली आ रही बात या कथा को अनुश्रुति कह सकते हैं यहाँ पर आपका सी जो है वो सही है ठीक चलिए यहाँ पर पारंपरिक भी होता है तो ये पारंपरिक दूसरे शब्द के लिए लगता है यहाँ पर हम लोग कहें कि इंद्रियों को जीत कर इंद्रियों को जीत लिया हो उसे कहते हैं इंद्रियों को जीत लिया उसको कहते हैं तो उसके लिए एक शब्द आपको चुनना है और वह शब्द है जितेंद्रिय राइट आंसर बी हो जाएगा चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि चौरासी से छियासी तक आपको रिक्त स्थान को पूर्ति करना है यहाँ पर प्रश्न है कि व्यक्ति के संकीर्णता की तुलना में डॉट डॉट अधिक व्यवहारिक होती है तो अधिक व्यवहारित होती है यहाँ पर उदारता जो है अधिक व्यवहारित होती है चलिए अगला प्रश्न है कि अपने घर की डॉट कौन चाहता है यहाँ पर प्रश्न है कि अपने घर की क्या कर सकते हैं पराजय हार बदनामी बदहाली तो यहाँ पर हम लोग राइट आंसर कर सकते हैं बदनामी कौन चाहता है ये सही है ठीक अगला प्रश्न कि दिल्ली की डॉट डॉट एशिया में विशेष स्थान रखती है तो दिल्ली की ठीक दिल्ली की नफासत दिल्ली की नफासत जो है एशिया में विशेष स्थान रखती है अगला प्रश्न किया सतासी से जो अठासी तक प्रश्न दिए गए हैं तो इसमें कुछ त्रुटियां है इस आपको त्रुटियों को कुछ ठीक है वाक्य इसके जिस भाग में त्रुटि है उसको आपको चुनना है ठीक यानी कि यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है उसमें आपको त्रुटि देखना है कि कहाँ पर त्रुटि है तो जैसे कि यहाँ पर देखिए इस बाल्टी में बीस लीटर पानी भरने की योग्यता है तो इस बाल्टी में बीस लीटर पानी भरने की योग्यता है इसमें कहाँ पर त्रुटि है तो भरने की योग्यता ठीक क्या है यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है भैया जो यहाँ से लेकर यहाँ तक भरने की योग्यता है यह गलत है और गलत है यहाँ पर सही क्या होगा तो देखिए यहाँ पर जो सही होगा कि भरने की योग्यता नहीं बल्कि यह भरने की क्षमता हो सकता है यहाँ पर क्या हो सकता है क्षमता राइट आंसर सी यहाँ पर जब योग्यता के जगह पर क्षमता कर सकते हैं अगला प्रश्न है कि आपने नौकर को यहाँ सॉरी यहाँ पर नौ अपने नौकरी पाने का एक अच्छा संजोग खो दिया आपने नौकरी पाने का एक अच्छा संजोग खो दिया तो इसमें कौन सा त्रुटि है इसमें जो आपका त्रुटि है वह है अच्छा संजोग खो दिया ऑप्शन जो है आपका सी इसमें आपको त्रुटि है और इसमें जो त्रुटि है तो यहाँ पर संजोग के जगह पर आप लोग अवसर लिखा होता तो अवसर हो सकता है कि आपने अच्छा संज अवसर जो है खो दिया अवसर कर सकते हैं संजोग नहीं होगा तो ठीक चलिए अगला प्रश्न कि यहाँ पर अट्ठासी नवासी से नब्बे तक जो प्रश्न है कि चार विकल्प दिए गए हैं और उसको आपको विलोम बताना है आवरण आवरण जो है इसका विलोम आपको बताना है कि आवरण का विलोम क्या होगा तो इसका विलोम अनावरण होगा नाइनटीन के उत्कर्ष का विलोम तो उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष हो जाएगा अगला यहाँ पर इक्यानवे से बानवे तक प्रयावचित जो कि समानार्थक शब्द है पुष्कर पुष्कर का आप समार्थी यहाँ पर आप लोग पवित्र कर सकते हैं अंबर का प्रयावची अंबर का प्रयावची यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं बादल ठीक चलिए अगला तिरानवे से जो हम लोग का संतानवे तक है तो अनुच्छेदों में रिक्त स्थानों की उचित पूर्ति करते हैं और चार चार विकल्प उपयुक्त में से दिए गए हैं जैसे कि यहाँ से हम लोग प्रश्न देख लेते हैं यहाँ से देखिए यह आपका गधांश है ठीक और इसी गधांश को आपको पढ़कर उत्तर आपको बताना है जैसे कि एक बार आप लोग इस गदांश को पढ़ सकते हैं और इसका राइट आंसर आप लोग आसानी से लगा सकते हैं यह कोई आपका कठिन प्रश्न नहीं होता है ठीक तो हम आपका आंसर इसका बता दे रहे हैं आप लोग उसके दान्स को एक बार पढ़ लीजिएगा यहाँ पर तिरानवे का कैद हो जाएगा चौरानवे का यहाँ पर दरिद्र हो जाएगा पंचानवे नंबर जो है इसका आपका पुष्ट हो जाएगा और जो छियानवे नंबर इसका अंतरंग हो जाएगा अंतरंग हो जाएगा और जो संतानवे नंबर प्रश्न है तो इसका राइट आंसर यहाँ पर समृद्ध हो जाएगा ठीक चलिए अगला अंठानवे है कि गायक का संधि विच्छेद तो गायक का संधि विच्छेद क्या कर सकते हैं यहाँ पर गय प्लस अक कर सकते हैं गाय प्लस अक निन्यानवे नंबर है कि तो चालक का पढ़ते तो चालक का पढ़ते क्या होता है चालक का प्रत्यय अक हो जाएगा चालक में अक पड़ते है और, और सौ नंबर प्रश्न है कि वर्णला और स का उच्चारण स्थान वर्ण जो लॉ और स है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है तालु मृदा दांत या फिर होस्ट तो इसका उच्चारण स्थान तालु होता है ठीक राइट आंसर एक कर लीजिए तो ये जो हम लोगों ने ग्यारह सेट प्रैक्टिस था इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए और यह हरिहंत पब्लिकेशन का बुक था और ये जो सेट आपका बारह है वो जल्दी प्रोवाइड किया जा सकता है तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट